everyone, welcome to Goldie's Tasteful Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट इडली, हेल्दी इडली. और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सूजी ली है 1 कप. पिंक इडली भी कह सकते हैं, बच्चों को पसंद आती है. और ये लिया है हमने 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है. और ये 1 टेबलस्पून हमने ऑलिव ऑयल लिया है. और ये आधा कप मैंने दही लिया है, क्योंकि दही थोड़ा सा खट्टा है हमारा, है ना. तो आधा कप दही और आधा कप पानी डालेंगे हम. ये मैंने 1 बीटरूट का ना पेस्ट बना लिया है. तो मैंने ब्लांच किया था बीटरूट को सैलेड बनाने के लिए. आप कच्चा भी इसको ले सकते हैं, फिर उसका मैंने ये पेस्ट बनाया है. तो 1 बीटरूट के जितना हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. इसी में ना मिक्सी को साफ करके मैंने आधा कप पानी भी ले लिया है. जो भी बीटरूट का इसमें पोर्शन लगा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से साफ कर दिया. अब हम करेंगे इसको मिक्स. ये ना बहुत बहुत यम्मी बनती है इडली, जरूर ट्राई कीजिएगा. और बच्चों को पसंद भी आती है कलर देख के ना. तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स करके. ये देखिए अभी आपको थोड़ा सा गीला लग रहा है, लेकिन सूजी क्या है, पानी पी जाती है. तो ये इंस्टेंट इडली आपका आपकी बन जाती है. अगर आपके पास इडली डोसे का बैटर है ना, दाल चावल वाला, तो आप उसमें भी ये डाल के बना सकते हैं. अब हम इसको ना कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे. 15 मिनट हो गए हैं, हम इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं मिश्रण को. और इस बीच हमने क्या किया है कि ये सबको ऑयल से ग्रीस कर लिया है, जितने भी इडली के सांचे हैं. और यहां मैं आपको बैटर दिखाऊं, ये कितना थिक हो गया, देखिए थोड़ा सा थिक है ये. तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे. अब हम ये बैटर में ना 1 टीस्पून इनो डालेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक्टिवेट करेंगे. 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालना है और इसको मिक्स करना है. और बहुत ज्यादा हमें मिक्स नहीं करना, हल्के हाथ से बस मिक्स करें. और ये तभी करना है मिक्स जब हम इडली बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. यानी हमने पानी बॉईल करना रख दिया है, ऊपर से हमने इसमें सांचे में ऑयल लगा लिया है. ये देखिए बस इस तरह से मिक्स करके अब हम डालते हैं. अब हम इसको ऐसे करके फिल कर लेंगे. और पानी देखिए, आधा कप पानी, आधा कप दही मैंने लिया, क्योंकि दही ना मेरा खट्टा था. अगर आपका मीठा दही है तो आप 1 कप दही भी ले सकते हैं. और उससे क्या होगा कि खट्टे दही से आपका थोड़ा दही ही काम कर जाएगा, है ना. तो इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे सारे उनको मोल्ड्स को. तो हमने ये 12 इस तरह से सांचों को इसको भर लिया है, 12 इडली के. इनको इस तरह से लगा लेंगे ऐसे, एक के ऊपर एक ना रख के ना अलग से रखें, ताकि वो फूले तो इसके ऊपर चिपके ना. अब हम इसको रखेंगे इडली के कुकर में. पानी पहले से उबल रहा है और अब हम ये सांचे जो हैं इसमें रख देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे. पानी और ये सब हमें मिक्सचर ना ऐसे देखना है कि हम इसमें बीटरूट का भी डाल रहे हैं मिक्सचर, तो इसलिए हमें उतना ही उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है जैसे हम इडली बनाते हैं. 12 टू 15 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करते हैं. 15 मिनट्स हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं. ये देखिए गैस को ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारी फूली फूली इडली बनकर तैयार है. अब हम इस सांचे को बाहर निकाल लेंगे. ये देखिए बहुत ही परफेक्ट. थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इनको डीमोल्ड करेंगे. इडली ठंडी हो गई है, अब हम इनको निकाल लेंगे. ये बहुत अच्छी बनती हैं, फ्लफी एकदम. ये देखिए दिखाऊं मैं आपको, तो आप इस तरह से ये पूरी इडली आसानी से हाथ से ही निकल रही है, देखिए. क्योंकि अच्छे से अगर आप इसी हिसाब से मिक्सचर डालेंगे ना, जैसे मैंने बताया, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी. देखिए कोई कलर यूज नहीं किया है. कुछ लोग ना कलर एकदम ब्राइट डाल के यूज कर देते हैं और वो देखने में बहुत ज्यादा वो लगती है. तो हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए. जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि देखिए इडली कितनी लाजवाब बनी है.
मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ इडली, ये देखिए है ना, बढ़िया दिखाई दे रहा है आपको पूरा, ये देखिए वो आप देख सकते हैं, ये देखिए तो बहुत अच्छे से जाली पड़ी है, धुआं निकल रहा है, कहीं भी हाथ पे चिपक नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया इडली है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आप चाहें तो इस पे तड़का डाल सकते हैं, है ना, राई का, कड़ी पत्ते का, आप चाहें तो प्लेन खा सकते हैं, तो आपकी हेल्दी इडली बनकर तैयार है। प्लेटिंग करते हैं इसकी, और ये देखिए हमारी यमी सी इडली बनकर तैयार है। मैंने इसके साथ बनाई है तीखी हरी चटनी, बिना छौंक के बिना तड़का लगाए मैंने इस इडली को बनाया है, हेल्दी हरी धनिए की और हरी मिर्च की, पुदीने की तीखी चटनी है, तो जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।